की बात स्वागत है आपका टोटल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। अब बात मंगोलपुरी विधानसभा के मंगोलपुरी वार्ड नंबर 47 की करते हैं। 2012 के एमसीडी चुनाव में यहां से कांग्रेस के अशोक चौकीन ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ महीने पहले अशोक चौकीन का देहांत हो चुका है। ऐसे में मंगोलपुरी के इस अनाथ वार्ड की सुध लेने वाला कोई नहीं। पार्षद के ना होने का खामियाजा वार्ड की पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। मंगोलपुरी विधानसभा का एक और वार्ड, वार्ड नंबर 47। ये मंगोलपुरी वार्ड के बाकी वार्ड जैसा ही है। साल 2012 के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के अशोक चौकीन यहां से जीतकर इस वार्ड के पार्षद बने, लेकिन कुछ महीने पहले अशोक चौकीन का देहांत हो चुका है। अशोक चौकीन के ना होने का सीधा खामियाजा उनके वार्ड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिना पार्षद के मंगोलपुरी वार्ड जैसे अनाथ हो गया है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मंगोलपुरी एल ब्लॉक के इस चिल्ड्रन पार्क की हालत पर एक नजर डालिए। किसी ने पार्क को कूड़ा घर बना दिया तो किसी ने पार्क में पार्किंग बना ली है। पार्क में घूम रहे जानवरों की तस्वीरें पार्कों की बदतर कहानी खूब सुनाती हैं। वो नाली वाला कह रहा है कि कहना चाहिए पट्टिया हटवाओ, तब जाके इसके बाद मकान सफाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आइए पट्टिया तो जाम पड़ा हुआ है बिल्कुल, तो कहाँ सफाई होगी? ना कोई भी नहीं आज, कोई भी नहीं है यहाँ पे तो। हालांकि कुछ लोग इलाके के पार्कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए अपने स्तर पर कोशिश करते हैं। लोगों ने आपसी सहयोग से पार्क के एक हिस्से को बदतर से बेहतर बना दिया है, लेकिन इलाके की बदहाली की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा एक नजर यहाँ भी डालें। ये महिला कौशल केंद्र है। कौशल केंद्र के ठीक बगल में बने ढलाप घर के चारों तरफ गंदगी का अंबार है। गंदगी देखकर साफ समझ में आता है कि सफाई कर्मचारी कई दिनों से इस तरफ आए ही नहीं हैं। स्लम में भी सफाई की हालत खस्ता है। लोगों के मुताबिक नालियों की सफाई 15-15 दिनों के बाद होती है। ए ब्लॉक का चिल्ड्रन पार्क है ये, जो कि क्या नाम है एमसीडी के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, और ना ही कोई सफाई कर्मचारी आता है, और गेट पे भी क्या नाम है ताले का प्रोसेस था, फिर ताला भी हटवा दिया। कुछ जानवर भी आ जाते हैं, जैसे सुअर है, क्या नाम है गाय है, कुत्ते हैं, और जो कि यहाँ अवैध पार्किंग भी है, और राम भला कहे साफ सफाई घास वगैरह कुछ भी नहीं है, मालिक कोई नहीं आता जी। हाँ ये जी शुरू से ही है, लगभग है जब से पार्क है, ये क्या नाम है पत्थर वगैरह लगे हैं जब से भी ये है। पहले तो और बुरा हाल था, शुद्ध लेने नहीं आया, ना निगम पार्षद आता कोई, ना क्या नाम है एमएलए एमपी कोई नहीं आता। यहाँ पार्षद नहीं है इसलिए वार्ड की ऐसी हालत है, ये बात समझ आती है। लेकिन जिन वार्डों में पार्षद हैं वहाँ के भी ज्यादातर वार्डों की हालात कुछ ऐसे ही हैं। खैर बिन पार्षद के इस वार्ड की जनता के पास एक बार फिर अपना पार्षद चुनने का मौका आ गया है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए अब बात मंगोलपुरी विधानसभा के रोहिणी साउथ वार्ड की। रोहिणी साउथ में बीजेपी की संजना सिंह मौजूदा पार्षद हैं, लेकिन वार्ड में पार्क और पार्किंग लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है। इस वार्ड इस रिपोर्ट में देखिए पार्क और पार्किंग ने लोगों के सामने क्या क्या दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। मंगोलपुरी विधानसभा का सबसे पॉश इलाका रोहिणी साउथ है। मंगोलपुरी में जहां एमसीडी के 4 में से 3 वार्ड क्लस्टर की भरमार वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंगोलपुरी का वार्ड नंबर 45 इस विधानसभा का सबसे पॉश इलाके वाला वार्ड है। पॉश इलाका होने के चलते मंगोलपुरी के बाकी वार्ड के मुकाबले यहाँ सफाई व्यवस्था बेहतर नजर आती है। लेकिन सफाई भले ही अच्छी हो, लेकिन ये वार्ड भी समस्या रहित नहीं है। रोहिणी साउथ की सबसे बड़ी परेशानी है पार्किंग। चाहे सड़क हो या फिर कोई गली, हर जगह दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें ही कतारें नजर आती हैं। यहाँ गाड़ी के लिए कुछ इंच की जगह ढूंढने के लिए लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पार्किंग के लिए यहाँ लोगों की तूतू मैं तक हो जाती है। लोगों का कहना है कि रोहिणी साउथ में कार को पार्क करने के लिए कम से कम आधा घंटा तो जगह की तलाश करनी पड़ जाती है। खुद लोगों की जुबानी सुनिए, कोई ऑथराइज्ड पार्किंग की कमी उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन गई है।
कहीं भी जगह नहीं है, सारी जगह गाड़ियाँ बंद दिखी नहीं रहे। खड़ी करने से पहले लड़ना पड़ता है, बैल बजानी पड़ती है, तीन घरों की गाड़ी हटवानी पड़ती है। यहाँ पे एक एक घर में तीन तीन गाड़ियाँ ले रखी हैं लोगों ने, बीच में लगा देते हैं, रोड में सेंस ही नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है। दूसरी परेशानी यहाँ पार्कों से जुड़ी हुई है। वार्ड में पार्क तो खूब हैं, लेकिन ज्यादातर पार्क ऐसी ही बदतर हालत में हैं। इतनी बदतर हालत के पार्क में इंसान की जगह कुत्ते आराम फरमाते नजर आते हैं। पार्कों का जो थोड़ा बहुत भी ठीक करा गया था वो यहाँ के लोगों ने खुद के मिलकर ठीक करा है, और पार्कों की माली को भी नहीं आता है, मतलब माली भी यहाँ पे पकड़ के लाना पड़ता है। और साफ़ सफाई गंदगी लोग या तो खुद झाड़ू लगा लें या खुद उठा लें, और पानी का भरने का तो ये बरसात में पानी निकलने का कोई सिस्टम है नहीं, और मतलब पार्क मेंटेन नहीं होते हैं। और सबसे दूसरी समस्या है, पार्क जो है वो बच्चों को खेलने के लिए है नहीं, कुत्तों का घर बना हुआ है, और यहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं उनसे सबसे ज़्यादा पब्लिक परेशान है। कोई यूज़ नहीं कर पाता है, अगर मेंटेन ही नहीं होगा तो बड़े बैठेंगे कहाँ पे और आप मत घूमेंगे कहाँ पे। तो जो मॉर्निंग वॉक का जो मज़ा है वो हम लोग नहीं ले पाते। ये शिकायत दो तीन बार करी गई, रिटर्न शिकायत भी जो MCD के ऑफिस में करी गई थी, एक बार रिटर्न शिकायत पे MCD से आए भी थे, सिर्फ उसको मतलब एक ऊपर लेवल पे एक दिन के लिए ठीक करा गया, उसके बाद कोई मेंटेन नहीं करा गया। BJP की संजना संसार सिंह यहाँ की पार्षद हैं। संजना सिंह साल 2012 के MCD चुनाव में करीब 3,400 वोट से विजयी रही थी। संजना सिंह इलाके में विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं, साथ में चुनौती भी देती हैं कि उनके वार्ड में कोई पार्क बदहाल नहीं मिल सकता, लेकिन उनकी इस चुनौती को उनके घर से थोड़ी ही दूर बने इस पार्क ने धराशायी कर दिया। ये देखो DDA की जमीन है, MCD की कोई ऐसी ज़मीन है नहीं अगर जिसमें हम पार्किंग बनवा सकें। हमने भी भरपूर कोशिश की है इस बारे में, लेकिन हमें भी कोई इसके जगह इसके लिए मिली नहीं है। जितने भी पार्क हैं मेरे वार्ड में मैंने पूरे डेवलप करवाए हैं, बहुत मतलब बहुत अति सुंदर हैं, कहीं पर जाके आप देख लेना, कहीं पर कोई कमी नहीं है इसमें। अब महिला पार्क बनना है, अभी जो एक महिला पार्क की भी ज़रूरत थी, जो जिम वगैरह लगने हैं वे भी लगेंगे अभी, क्योंकि उनका अभी हो गया है लेकिन अभी लग नहीं पाए हैं, समय बस थोड़ा सा और है। इस वार्ड से कांग्रेस की तरफ से 2012 का चुनाव लड़ चुकी संतोष अग्रवाल संजना सिंह के 5 साल के कार्यकाल पर क्या कुछ कहती हैं, जरा ये सुनिए। 5 साल में कुछ नहीं हुआ, काम आके देखो आप, कुछ भी नहीं। 5 साल तो बहुत होते हैं, प्रयास ही नहीं किया उन्होंने। 5 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं पार्किंग के लिए, प्यार से नहीं किया उन्होंने। मेरी नज़र में कुछ नहीं है उनका काम, मेरे क्षेत्र में कब कुछ काम नहीं हुआ। वार्ड में फिलहाल तो पार्किंग और पार्क लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन चुनावी वक्त में लोगों की ये परेशानियाँ पार्षदों के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो इसमें कोई दूर आए नहीं कि MCD का काम दिल्ली जैसे शहर में आसान नहीं। राजनीतिक हालात और फंड की कमी का खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ता है। MCD में सत्ता किसी की भी हो, हाल इसलिए भी नहीं बदलते क्योंकि सिस्टम में कई खामियां हैं। हर रोज जो काम करने की जरूरत है वो पेंडिंग होते चले जाते हैं। कई बार अधिकारी लापरवाही करते हैं तो कभी कर्मचारियों को सैलरी ना मिलने के विरोध में वो काम बंद कर देते हैं। नतीजा ये है जो इन तस्वीरों में सामने दिखाई दे रहा है, गंदगी से भरी सड़कें और परेशान होते लोग। फिलहाल तो MCD का यही हाल है, यही हकीकत है। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टोटल न्यूज़।